क्वेश्चन दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इथेन के कन्फॉर्मर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, जो इथेन होता है ये आपका CH3 है, अगर इसके कन्फॉर्मर्स अगर आप ड्रॉ करें, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, और दोनों कार्बन आपके सेम एनवायरनमेंट में हैं, तीन तीन हाइड्रोजन से लगे हैं, और ईच कार्बन इज फॉर्मिंग हाउ मेनी बॉन्ड, फोर बॉन्ड। ठीक है, फोर बॉन्ड बना रहा है, तो अगर फोर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो ईच कार्बन विल बी sp3 हाइब्रिडाइज, और यहाँ से क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, हर एक कार्बन टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल के हिसाब से हर एक बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री और 28 मिनट होना चाहिए। ठीक है, बॉन्ड एंगल अगर सेम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी सेम हो जाता है, ये आप दिमाग में रखें। अब देखिए, अगर मैं इसका कन्फॉर्मर्स बनाऊँ, एक्लिप्स फॉर्म बनाते हैं पहले, तो ये फ्रंट कार्बन को पहले मैं मेंशन कर देता हूँ, फ्रंट कार्बन के जो तीन हाइड्रोजन है मेंशन कर दिया, एक हाइड्रोजन, ये सेकेंड, ये आपका थर्ड हो गया। अब बैक वाला जो कार्बन है, ये बैक वाला कार्बन है, तो इसका एक्लिप्स फॉर्म बनाना है मुझे, तो ये आपका बैक वाले कार्बन का हाइड्रोजन ये आ गया, ये हो गया बैक वाले कार्बन का सेकेंड हाइड्रोजन, और ये आपका हो गया थर्ड हाइड्रोजन, ये आपका एक्लिप्स फॉर्म बन गया, एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सॉरी, कि ये जो आपके ग्रुप लगे हुए हैं तो इनके स्पेशल अरेंजमेंट में हम चेंज लाते हैं। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट में चेंज लाते हैं, तो अगर मैं इस एटम को यहाँ पे लाता हूँ तो ये एटम इधर मूवमेंट कर जाएगा, ये एटम आपका जो बैक वाला कार्बन को अगर रोटेशन कराते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कार्बन फ्रंट वाले कार्बन में, तो कैसे बनना चाहिए, फ्रंट वाला कार्बन, ये मेंशन किया मैंने, फ्रंट वाले कार्बन को ज्यों तो उसकी पोजीशन बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, रोटेट किसको कराया गया, बैक वाले कार्बन को, ये बैक वाले कार्बन में, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर पहुँच जाएगा, इधर स्टेयरिंग की तरह घुमा दिया मैंने, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। अब ये दोनों जो फॉर्म हमें मिले हैं कन्फार्मर्स, जिसे आप बोल सकते हैं इक्लिप्स एज वेल एज स्टैगर्ड फॉर्म, किस तरह से, किस वजह से मिले हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हम डिफरेंट करने से। इसमें इक्लिप्स में अरेंजमेंट ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है, डिफरेंट है, और इसमें स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये जो कन्फार्मर्स हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें ड्यू टू द स्पेशियल डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बट इसमें अगर आप देखें तो हर एक कार्बन क्या है, सेम एनवायरनमेंट में है, और ईच कार्बन इज फॉर्मिंग फोर सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज एंड हैविंग द सेम बॉन्ड एंगल, अगर सेम बॉन्ड एंगल है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम हो जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज नहीं, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।